नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में कड़ी मेहनत करके एचटेट क्लियर करने वालों को नौकरी ना मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी। वर्ष 2012 के बाद से जेबीटी की एक भी रेगुलर भर्ती नहीं निकली। चार बार एचटेट को हो चुका है लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एचटेट क्लियर करने पर एप्लीकेंट के मन में उम्मीद तो जागती है लेकिन सालों तक नौकरी ना मिलने पर वो उम्मीद बिखर कर रह जाती है। हरियाणा मीडिया की टीम ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझ के उन 90,000 उम्मीदवारों की बात आपके सामने रखी। जी हाँ, प्रदेश के 90,000 जेबीटी एचटेट पास युवाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, हरियाणा में जेबीटी के पद खाली हैं या नहीं? अगर हाँ तो नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं तो एचटेट बार बार क्यों लिया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार एचटेट का पेपर लेकर युवाओं में बार बार उम्मीद जगा रही है? एक एचटेट के लेवल 1 की फीस 1,000 रुपए होती है। हर बार लाखों कैंडिडेट्स एनरोल करते हैं। 2012 से लेकर 2020 तक एचटेट का पेपर तो 4 बार हुआ लेकिन भर्ती नहीं हुई। ऐसे में रिक्रूटमेंट न करने पर सरकार जो पैसा इकट्ठा कर रही है वो आखिर जा कहाँ रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए हरियाणा मीडिया की टीम ने जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल से वार्तालाप किया। देखिए। नमस्कार जी राजेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा मीडिया न्यूज पर। सर, जैसा कि हम पिछले दिनों में देख रहे हैं, आप जेबीटी टीचर्स का जो प्रदर्शन है बढ़ता ही जा रहा है, उसका कारण क्या है? नमस्कार जी, मैं राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन हरियाणा। आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों से 2012 से लेकर के अब तक जेबीटी की भर्ती का जो रेगुलर भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाया है। यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने 2 बार आदेश किए हुए हैं और एक में तो विद पेनल्टी आदेश किए हुए हैं, उसके बाद भी सरकार जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। एक तरफ तो सरकार पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए 24 घंटे के अंदर रिलीव कर देती है, तो वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट के 2 बार आदेश जारी होने के पश्चात भी जो है हमारी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक ये सवालिया निशान खड़ा होता है। जी सर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब थोड़ा सा समझा पाएंगे कि क्या कारण क्या हो सकते हैं आपकी नजर में? देखिए सर, यदि किसी नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होते तो वहाँ पर अध्यापकों की कमी नहीं रहती बिल्कुल भी। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं मजदूर के बच्चे, गरीब आदमी के बच्चे, और आप कल्पना कर सकते हो कि अध्यापकों के बिना क्या उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित ढंग से पूरी करवाई जा सकती है? नहीं करवाई जा सकती है, ये सर्वविदित है। सभी को पता है कि अध्यापकों के अभाव में जो है वो पढ़ाई पूरी नहीं करवाई जा सकती। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 25 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होता है, वो 25 बच्चे उसमें फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों क्लास आ गई और पांचों की पांचों जो कक्षाएं हैं वो वहां पर एक ही अध्यापक पढ़ाएगा। और वहाँ पर सरकार ने बाकायदा जो 225 घंटे निर्धारित किए हैं पूरे सेशन के दौरान, और आप देखो पूरी 5 क्लास हैं, उन 5 क्लास के हिंदी, इंग्लिश, EVS, साइंस, सामाजिक, सारे के सारे विषय हैं। क्या एक अध्यापक प्रत्येक कक्षा को, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 घंटे की रिक्वायरमेंट वहां पर रहती है यदि उनको दिए जाएं, तो क्या वो एक अध्यापक जो है वो हर रोज के 25 घंटे वो डिवाइड कर सकता है? तो सरकार की जो शिक्षा नीतियां हैं वो बहुत गलत हैं। तो और एक बात और आपको बता देना चाहूँगा कि हमने RTI से जो जानकारी प्राप्त की उसमें 5695 पोस्ट जो हैं गेस्ट टीचर्स के अलावा रिक्त पड़ी हैं, और कोर्ट में भी माननीय जो हमारे मौलिक शिक्षा निदेशक हैं प्रदीप कुमार जी, वो एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने कोर्ट में बाकायदा हल्फनामा दिया हुआ है कि हमारे पास क्लियर कट वैकेंसी जो है वो 5695 पद की है, और उन्होंने ये जो एफिडेविट था, जो हल्फनामा था, वो 20 मार्च 2020 को दिया था कि हमें 2 महीने का समय दिया जाए, हम 2 महीने के अंदर अंदर जो HSSC को क्लियर कट जो वैकेंसी है 5695 उनकी डिमांड जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। और आज देखो आप
कितना समय हो गया है, 20 मई को वो 2 महीने जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, उसके बाद भी सरकार जो मतलब कोर्ट को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है, वहां पर कोर्ट के नियमों का भी वो सरेआम जो है वो धज्जियां उड़ा रही है। तो यहां से हम जो है कल्पना कर सकते हैं कि सरकार एक तरफ तो अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि हम संवैधानिक जो ढांचा है उसके अकॉर्डिंग जो सरकारी तंत्र है वो नियम है उनका पालन करते हैं, और सरकार खुलेआम हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनकी सरेआम धज्जियां उड़ा रही है और जो जेबीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं कर रही है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री जी ये भी कहते हैं कि आपके कहने से थोड़ी भर्ती निकालेंगे, हमने देखना है, हम रेशो जो है 1:25 की है उसको 1:30 कर देंगे, हमें आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक बात जो है वो अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो है पूरे भारत वर्ष में लागू हो गई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य में यानी कि भारत के 28 के 28 राज्यों में जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 25:1 का है। तो यहां एक बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि क्या हरियाणा प्रांत जो है पाकिस्तान का हिस्सा है क्या, वो भी भारत का ही उन 28 राज्यों में से आता है। तो जब उन 28 राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट होती है तो क्या हरियाणा, क्या यहाँ पर मनोहर सरकार उसको मना कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के ऊपर, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पूरे भारत वर्ष के लिए लागू की जाती है और यहाँ पर ये सरेआम जो है शिक्षा मंत्री जी बयान दे देते हैं कि हम तो 1:30 का रेशो कर देंगे, हमारे पास तो और भी सरप्लस हो जाएंगे अध्यापक। तो मैं यहां पर माननीय मनोहर लाल जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप प्रधानमंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत रखते हैं, एक देश के राजा के जो नियम बनाए हैं पूरे देश के लिए, क्या आप एक हरियाणा प्रांत में अपनी अलग खिचड़ी पकाने की मंशा रखते हैं? इस बात का जवाब जो है मनोहर सरकार भारत हरियाणा के जो प्रांत के जो निवासी हैं उनको दे, ये हरियाणा के प्रत्येक जो जेबीटी है वो उनसे पूछना चाहता है। नहीं, एक तरफ तो सरकार बात करती है कि हम प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण हरियाणा वालों को देंगे, और दूसरी तरफ क्या इस तरह से करेंगे कि रेशो बढ़ा के टीचर्स कंप्लीट कर देंगे। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रेशो 1:30 का कर देंगे ये, इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि 25 जो चलो 30 भी कर, यदि ये करते हैं तो 30 यदि बच्चों पर एक टीचर है तो वहां पर सपोज करो कि 29 जो है सिर्फ बच्चे एक स्कूल में हैं, वहां पर एक ही टीचर रहेगा, उन 29 बच्चों की क्लास तो 5 बन जाएंगी, वहां पर तो 5 क्लास है, 5 क्लास के जो अलग अलग विषय हैं 5, वो टीचर क्या वो प्रॉपर समय दे पाएगा उनको, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न जो है वो यहां पर बनता है। तो क्या वो 25 घंटे दे पाएगा, उनके लिए तो 5 शिक्षक अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल होने चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज प्राइवेट स्कूल्स का मुकाबला अगर करना है सरकार को तो प्राइवेट स्कूल से बेटर इनको एनवायरनमेंट देना चाहिए। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में लगभग, अभी पीछे शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया था, लगभग 1,00,000 जो विद्यार्थी हैं नए उन्होंने जो प्रवेश लिया है सरकारी स्कूलों में लिया है, तो आप हिसाब लगाइए कि कितनी पोस्ट और भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। 2012 से अब तक 8 सालों में पिछले यदि हम बात करें औसतन 500 से 600 जो अध्यापक हैं पूरे हरियाणा प्रांत में वो रिटायर होते हैं, 3200 से 3400 के आसपास जो हैं वो TGT प्रमोट हुए हैं, रिटायरमेंट भी आप लगा लो उसमें से बीच में अभी HCS भी लगे हैं, इनमें से JBT में से लगे हैं, जो किसी की आकस्मिक निधन के कारण कोई और लगाओ, 8 साल में 6-7 हज़ार तो यही मतलब जो है वो वैकेंसी बढ़ती हैं। और यदि हम बात करें स्टूडेंट रेशो की तो लगभग 9 से 10 हज़ार जो पोस्ट हैं यदि सरकार अपनी पूरी साफ नियत से करे तो ये भर्ती जो है वो बनती है। लगभग 9 से 10 हज़ार पोस्ट लगभग आपके हिसाब से बनती हैं जी, तो इसके लिए जितने JBT के बाद HTET पास जो हैं वो लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं जी? 90,000 जो है JBT के HTET पास जो हैं वो कैंडिडेट हैं पिछले, उनमें से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2013 के जो हमारे लगभग 7,500 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो उनकी वैलिडिटी वो समाप्त हो चुकी है, हमने कोर्ट के थ्रू जो वैलिडिटी थी वो 7 साल कराई थी, क्योंकि भारत के प्रत्येक प्रांत में 7 साल की जो वैलिडिटी है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की रहती है, यहाँ पर 5 वर्ष थी तो हमने कोर्ट की लड़ाई जो लड़ी उसमें 7 साल की जो वैलिडिटी हमने वो करवाई, तो 13 और 7 अब 20 चल रहा है, जुलाई में उन 7,500 लोगों की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो गई,
तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि उन लोगों ने तो भर्ती देखी ही नहीं, जब किसी की बिना भर्ती देखे ही अगर उस सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि 7 साल में वैलिडिटी खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो जाती है जी। और इसका मतलब 7 साल से वैकेंसी ही नहीं निकली? 8 साल से सर वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है। पिछले 8 साल से 2012 में 9,870 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसके बाद आज तक जो है वो रेगुलर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 8 साल से सरकार को टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ी है? बिल्कुल सर। आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि हर साल सरकार जो है एचटेट कंडक्ट करवाती है, लगभग 10 से लेकर के 15 लाख तक कैंडिडेट जो हैं वो इसमें अपीयर होते हैं, चाहे वो पीजीटी हैं, चाहे वो टीजीटी हैं, चाहे वो पीआरटी हैं, और एक कैंडिडेट से सरकार 1,000 रुपए जो है वो फीस वसूलती है। तो आप 10-15 लाख को यदि मल्टीप्लाई करते हो 1,000 से तो ये कितने करोड़ों का स्कैम है आप देख सकते हो, और 8 सालों से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना करोड़ों रुपया जो है एचटेट के नाम पर सरकार वसूल चुकी है। यदि सरकार इस भर्ती निकाले तो इसके ब्याज से जो है वो इन जो सरकारी अध्यापकों की जो है वो सैलरी दी जा सकती है। 8 साल से भर्ती नहीं निकली जी, परंतु जो एचटेट का पेपर है वो हर साल हो रहा है, हर साल कंडक्ट करवाते हैं। जब इन्होंने भर्ती निकालनी ही नहीं है तो ये एचटेट के नाम पर गोरख धंधा क्यों चलाए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सर इसके बारे में आपने कहीं मिले किसी नेता से, किसी मुख्यमंत्री जी से या उनके कहीं स्टाफ वगैरह से किसी से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, हमने करनाल में जो दिसंबर 2018 में रैली भी की थी, बहुत बड़ी रैली, वहां पर खुद मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के समक्ष ये कहा था कि हम आपका जो है, जो उस समय जींद उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक था, तो उन्होंने कहा था, बकायदा लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो है भर्ती सरकार हमारी रिपीट होनी है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम पहले ही कलम से जो है आपका जो वो कार्य है वो कर देंगे। वह बकायदा उन्होंने करनाल रैली में हमें आश्वस्त किया था। उसके पश्चात हमने आमरण अनशन किया था फरवरी में, 8 दिन हमारा जो आमरण अनशन वहाँ पर चला था, जो आजकल स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी और भूपेश्वर दयाल जी मुख्यमंत्री के जो OSD हैं, वो उन्होंने बकायदा ज्ञानचंद जी को भेजा था और उन्होंने हमारा आमरण अनशन जो था वो जूस पिलाकर यह कह करके उठवाया था कि हम आपकी जो भर्ती है शीघ्र से शीघ्र निकालेंगे, आप हमारा विश्वास कीजिए। तो इतने संघर्ष के बाद भी आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिल रही है कि एचटेट की आपकी भर्तियां जो हैं वो निकलेंगी, तो इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री जी को उनको याद दिलाया कि आपका ये वादा था? मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा सर कि हम 2-3 बार मिले, उसके बाद की मैं आपको स्थिति बताता हूं कि सरकार जहां तक एक तरफ तो ये कहती है कि मुख्यमंत्री जो है सबकी बात सुनते हैं, आप मुख्यमंत्री जी के CM हाउस के सेक्रेटरीट के हमारे पास में आपको यदि दिखाऊं तो मुख्यमंत्री जी पिछले 1.5 वर्षों से चुनाव जीतने के पश्चात एक बार भी उन्होंने मिलना मुनासिब नहीं समझा, मिलते भी नहीं है। अभी मैं आपको बाकायदा पूरे एविडेंस दिखाऊंगा कि वर्चुअल मीटिंग जो आजकल करते हैं, मेरी वर्चुअल मीटिंग भी उन्होंने 10 बार कैंसिल कर दी है। क्यों, ऐसा क्या है, इस बात का जवाब दे, क्योंकि हम भी एक जो है भारत के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार बनता है, क्योंकि प्रजा अपना जो दुख है वो किसके सामने व्यक्त करेगी, राजा के सामने ही व्यक्त करेगी, लेकिन जब राजा जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है, वहां पर मिलने से भी साफ इनकार कर देता है, तो वहां ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करें। तो सर आपने CM साहब से भी मिल लिए और गुप्ता जी से, ज्ञानचंद गुप्ता जी से भी आपकी बातचीत हो गई, इनको रिमाइंडर भी दे दिया आपने, बता भी दिया जी जी, तो आपको इन सब कुछ कोई लिखित में भी मिला? सर बिल्कुल, हमारी जो बकायदा एसोसिएशन की लेटर पैड पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश कुल्लर जी, उन्होंने बकायदा स्टैंप लगा करके हमें दिया था कि सरकार हमारी रिपीट होगी, आप धैर्य रखिए, हम जो हैं हम एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, हम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और सरकार हमारी रिपीट होगी, आप धैर्य रखिए, हम जो है आपकी भर्ती जो है आते ही निकालेंगे। और उन्होंने बकायदा जो डायरेक्टर के नाम जो है हमारी फाइल भी फॉरवर्ड की थी, लेकिन अब जाकर के सरकार इनकी जब जो बन गई है उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाना शुरू कर दिया है और 1:25 से जो है 1:30 की रेशो जो है शिक्षा मंत्री जी हैं जो वो उसकी धमकी हमें दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो हमें अध्यापकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही जो है पूरा हरियाणा जो है, पूरे हरियाणा के जो प्रदेश के जो वासी हैं, जो शिक्षित जो वर्ग है, वो ये
यही मांग करता है कि जब आप जो है भर्ती नहीं निकालते हो तो एस्टेट के नाम पर जो ये लूट खसोट है इसको बंद कर दीजिए, जब आपके पास पोस्ट है ही नहीं तो आप इसको बंद कर दीजिए। और गौरतलब है कि आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ कि जो JBT का कोर्स है वो 2 वर्ष का होता है, वो सरकारी डाइट जो बनी हुई है वहाँ पर जो गरीब बच्चे जो मेरिट में जिनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ वो पढ़ते हैं, उनकी फीस जो है 2 सालों की ये मान के चलो कि 2500 से 3000 में उनकी जो JBT है वो कंप्लीट हो जाती है। और प्राइवेट यदि कॉलेज की हम बात करें, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की 25,800 फीस है, यानी कि 2000 की हम बात कर 2 सालों की यदि हम बात करें 52,000 से 53,000 रुपये खर्चा आता है, फिर वो और फाइन वगैरह लगा के 60,000 में पड़ती है। अब की बार इन्होंने क्या किया, पिछले 2 सालों से इन्होंने डाइट जो थी वो बंद कर दी, सीधा प्राइवेट से ही करा रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि जो गरीब आदमी है जो 60,000 रुपये पे नहीं कर सकता है, उसकी परसेंटेज भी अच्छी है, वो मेरिट में भी है, वो डाइट बंद होने की वजह से जो JBT वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट JBT कॉलेजों के साथ सरकार की सेटिंग है, क्या कमीशन जाता है, किस कारणवश इन्होंने जो है वो डाइट जो है वो बंद कर दी, और जो गरीब जो बच्चे थे जो मेरिट में थे जो क्रीम थी जिनके पास एक मौका होता था JBT करने का, अध्यापक बनने के लिए कोर्स करने का, वो सुनहरा अवसर जो है कहीं ना कहीं सरकार ने लालच में आकर के उनको बंद कर दिया और उनके जो अधिकार थे वो सारे छीन लिए, उनके मौलिक अधिकारों का जो है हनन सरकार के द्वारा किया गया। तो सर आप जैसे कि ये एस्टेट पास संघ के प्रधान हो जी, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा आगे की रणनीति किस तरह से आप तय कर रहे हैं। जी हमने अभी 5 अगस्त को बकायदा हमारे साथ पीछे जो और भी यूनियन है अध्यापकों की, जैसे हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन है, हरियाणा अध्यापक संघ है, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, उनकी भी यूनियनों ने हमें बाकायदा जो है वो समर्थन दिया है कि हम भी आपके साथ हैं आपकी लड़ाई में, बिल्कुल यदि सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो हम आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके आगे चलेंगे, आपकी जायज मांग है, बिल्कुल लोकतांत्रिक रूप से आप जो है आपका हक भी बनता है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार जो है उसके अंतर्गत भी आपका जो राइट बनता है, उसके लिए विभिन्न जो यूनियंस हैं उन्होंने हमें समर्थन भी दिया है। और हमने 5 अगस्त को उनकी बिल्कुल प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ हमने 22 के 22 जो जिलों के जो DC थे उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी के नाम जो ज्ञापन सौंपा कि हमारी जो भर्ती का विज्ञापन है वो जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए, तो उसके बाद भी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो हमने अब बड़ौदा में कल ही हमने बड़ौदा में कूच कर दिया था, और जहां पर भी वहां पर JP दलाल जी भी थे और दूसरे जो योगेश्वर दत्त जी, दूसरे जितने भी वहां पर BJP के जो कदावर नेता थे, जहां पर भी वो भाषण देते हम वहां पर अपनी नारेबाजी शुरू करते थे कि सबसे पहले हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपको अभी याद आया, हमने कहा भी हम पहले से पहले भी बहुत बार हम जो है वो शोर मचा चुके हैं, हमारी बात जो सुनी नहीं गई, आप चुनाव के समय में ही हमारी बात सुनो, हमें नहीं पता, पीछे भी आपने लिखित में आश्वासन देकर के हमारे 90,000 एस्टेट पास साथी प्लस उनके परिवार जो हैं उनकी वोट ले ली, और हमें लेकिन अब हम जो है आपके बहकावे में नहीं आएंगे, अब हम आपके साथ तब चलने के लिए तैयार हैं यदि आप हमारी JBT भर्ती का जो विज्ञापन है वो बड़ौदा उपचुनाव से पहले करते हैं, यदि आप वादा खिलाफी इस बार भी करोगे तो मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि 4,137 कैंडिडेट जो है हमारे बड़ौदा हलके में ही हैं प्लस उनके परिवार, यदि बात करें हम 13,000 से 14,000 जो वोट हैं वो हमारी हैं, और एक आम नागरिक के पास उसकी वोट की ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और हम पूरी की पूरी अभी कार्यकारिणी जो थी हम 4-5 गांव में हमने इन नेताओं का विद्रोह भी किया, इनको वहां पर बोलने भी नहीं दिया, और मैं सरकार को बाकायदा चैलेंज करता हूं कि हम ऐसे ही सारे 90,000 के 90,000 जो है एस्टेट साथी हैं वो बड़ौदा कूच करेंगे, और हमें अभी तो ट्रेलर दिखाया है इनको, अब 54 के 54 गांव में हम जो है इनका विरोध करेंगे, कोर्ट के आदेश की कॉपी जो है वो घर घर हमने बांटी भी और घर घर आगे 54 के 54 गांव में बांटेंगे और इनका विद्रोह करेंगे कि देखो सरकार जो है कहती कुछ है करती कुछ है और हमारा जो है वो शोषण कर रही है, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो है तानाशाही रुख अपना रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रही है, और दूसरी तरफ जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी जो अधिकार है वो सरकार जो है छीन रही है। तो सर अंत में जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार कोई भी आए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सरकार के लिए सबसे पहले जो है उसकी प्रजा है,
विशेष तौर पर यदि हम बात करें अमीर वर्ग जो है वो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, लेकिन जो गरीब जनता है मैक्सिमम जो आपको पता है पब्लिक वो मध्यम वर्ग से या गरीब तबके से आती है, तो वो कहीं पर कहाँ जाएंगे, वो अपने बच्चों को जो शिक्षा का जो उनका सपना है वो सरकारी स्कूलों के माध्यम से ही उसको पूरा करते हैं। तो यदि स्कूलों में अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो उन ऐसे जो लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं अभी विशेष तौर पर बड़ौदा के लोगों से, हरियाणा के लोगों से ये अपील करता हूं कि हमारा साथ दें और जो हमारी जो जायज मांग है उसका हमारा जो है वो समर्थन करें, और ताकि जो और इस मैं आशा भी करता हूं कि माननीय जो मनोहर लाल जी हैं वो इस बारे में संज्ञान भी लेंगे और हमारी जो मांग है जायज मांग है उसको पूरा करेंगे। और हम तो चाहते भी हैं कि हमारी जो बड़ौदा उपचुनाव से पहले यदि भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो हम सरकार के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, वरना हम जो है अपनी जो कड़ा रुख अपनाने के लिए भी वो वहां पर हमें सरकार मजबूर ना करे। सरकार के इस रवैये से सिर्फ युवाओं के रोजगार पर नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य, स्कूल में जाने वाले बच्चों की प्रगति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह सालों तक वैकेंसी ना निकाले जाने पर प्रदेश में सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। पिछले 8 सालों में क्या स्कूल्स नहीं बढ़े? क्या काम कर रहे टीचर्स की रिटायरमेंट नहीं हुई? क्या बीतते समय के साथ जनसंख्या नहीं बढ़ी? क्या सरकारी स्कूल में एडमिशन्स हुए ही नहीं? पिछले कुछ समय से प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड देखा गया। इस तरह सालों तक रिक्रूटमेंट ना होने से सवाल उठता है कि क्या गवर्नमेंट की नीयत प्राइवेटाइजेशन की है? इन सवालों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़।